Happy morning, darlings. For all those who are new here, I'm Aparna Jatin Shah, and for all those who've been connected with us, thank you so much for showering so much love and helping us stay motivated. Finally, 2-3 days we've been in Pune. We've settled down. हम बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जा रहे हैं because 7 cases of Omicron has been detected near our house, which is almost like 4-5 kilometers away. So Jatin and I decided to stay back home more and figure out. अब obviously in next 10 days हमें पता चल जाएगा how deadly the virus is because people are under observation and hospitalized and everything. So till then we decided we are going to stay more at home and we are not moving out. आज बट ज्योति एंड कमल आने वाले हैं. दे आर ट्रैवलिंग बैक फ्रॉम समवेयर, सो दे हैड टू टेक अ हॉल्ट. सो वी टोल्ड देम कि इतना लॉन्ग जर्नी की जगह आप पुणे में रुक जाओ और उसके बाद यू गाइस कैन गो टू बॉम्बे. सो वी आर रियली एक्साइटेड बिकॉज हम हमेशा बहुत एक्साइटेड रहते हैं कभी भी वेन एवर आर फ्रेंड्स और फैमिली कम टू स्टे विद अस. अगर आपको वो पीछे आवाज़ आ रही है, आई एम सॉरी, बट दे आर डूइंग अप द स्विमिंग पूल. तो वो पूरा स्विमिंग पूल फिर से बहुत सारे उसमें टाइल्स निकल गए थे, तो दे आर गेटिंग ऑल द वर्क डन. तो बहुत आवाज़ हो रही है. हम मोस्टली अर्ली मॉर्निंग्स उठ रहे हैं सिट डाउन वीडियोस बनाने के लिए, जिससे कि जब तक लेबर्स आए हम और काम शुरू हो हमारा वर्क हो जाए. आई शो यू गाइज. एक्चुअली यहाँ पे एक दिस इज वेयर वन कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन एंड दिस इज वेयर द थर्ड कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन. तो यहाँ बेसिकली बहुत सारा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है हमारे घर पे फुल डे. देयर इज लाइक समथिंग ऑन द नॉट हमारे घर पे, हमारे घर के पीछे. एंड अब कुशिंग आ गया. क्या कर रहे हैं? नथिंग, आई जस्ट ईट स्ट्रॉबेरीज एंड आई एम गेटिंग रेडी फॉर कराटे. आज आकू का थोड़ा सा क्लास टाइमिंग चेंज हुआ है. शी इज गोइंग अ लिटिल अर्लियर एंड शी हैड दिस सीजन का फर्स्ट स्ट्रॉबेरी. दैट्स हर फेवरेट. हम मोस्टली हमेशा महाबलेश्वर जाते हैं टू डू स्ट्रॉबेरी प्लकिंग बिकॉज दैट्स वन ऑफ हर फेवरेट एक्टिविटी. सो आई एम होपिंग अगर केसेस डोंट राइज टू मच वी विल प्लान इन जनवरी. आकू फेब्रवरी तक अच्छा खासा रहता है तो नहीं जाएगा अभी स्ट्रॉबेरी सीजन. सो या दैट्स what it is. Let's go and see what Jisha's doing. वो अपने पक्का स्थापित होंगे अपने स्थान पे. I know he must be there. Impossible if he's not there. He must be editing. Take my words. Take my words. अच्छा. Okay. और ये अभी तक आपने साफ नहीं किया इसको. Mama, I just finished my strawberries. Finish your strawberries and before you go for class, ये सारा clear up करना छोटा. I have 15 minutes. Finish up in 5 minutes. Clear this up in 5 minutes and then leave. जतिन शाह स्थापित एट हिज प्लेस एज यूजुअल. आप पता है गणपति बप्पा टाइप बिहेव करते हो कभी कभी एक ही जगह स्थापित. व्हाट आर यू सेइंग? ऑब्वियसली गलती हाथ में मुझे मत लो यार प्लीज. क्यों? डिश यू आर एडिटिंग एंड आई एम फीलिंग कोल्ड. बहुत ही ठंडक हो गई है. इट हैज हां देखो कैसा लग रहा. लाओ दिखाओ कैमरे पे. और चीजें सीखनी पड़ेगी. मैंने अपना पूरा जाने के पहले इफ यू रिमेम्बर मैंने अभी हैड डन दिस आईकिया टेबल का कंप्लीट क्या बोलते हैं आपको उसको असेंबलिंग. सो आईकिया टेबल का हमने कंप्लीट असेंबलिंग किया था. आज आई सेट इट अप कंप्लीटली. आई विल शो यू गाइस. सो आकू सिंह ने यहाँ भी बहुत आतंक मचाया था. उसको चांटा पड़ा, मतलब चांटा तो नहीं पड़ा, धमकी मिली. आकू पीछे हो जाइए थोड़ा. धमकी मिली तो शी हैज एम्प्टीड दिस, नहीं तो ये पूरा उसने भर दिया था, ये पूरा और ये पूरा भर दिया था. तो अभी उसको बोला गया है. सो नाउ आई हैव टोल्ड हर दैट दिस इज माय टेबल, नोबडी टचेस दिस टेबल. तो हमने टेबल ऐसा लिया है कि दो प्लेसेस आ जाएं, लाइक जतिन कैन सिट हियर एंड आई कैन सिट हियर. बट वो अपना ही एंजॉयज वर्किंग आउट, सो आई थिंक आई हैव द टेबल टू माय सेल्फ. व्हाट व्हाट अबाउट माय क्लासेस? दिस टेबल इज फॉर मी. क्लासेस यू कैन डू बट अदर देन दैट नथिंग. व्हाई? आश्रिका दो चाटा खा जाओगे. आई हैड टेकन दिस, शी कैप्चर्ड दिस ओवर, देन आई हैड टू ऑर्डर दिस. यू विल नॉट कैप्चर दिस, ये तो अलाउ ही नहीं होगा. सो आई एम कैप्चरिंग दिस, बट यू कैन नॉट अनटाइडी इट एंड कीप इट ना आका. But I want one table just to myself. Then you go to your school, hostel and this take a table. This is my room, not someone's workspace. एक चांटा मारेंगे अभी. चलो anyways जल्दी ready हो आकू, कराटे के लिए late हो जाओगे. And you know mama gets irritated. तो basically अभी आज से मैंने 21 day challenge register किया है with one of the
groups where we are all going to get up by 5 o'clock. Actually, 4:40 पे हमें उठना है because 5 o'clock we start with certain activities and all in the morning. तो आई वॉज टेलिंग रतन की कल से वो भी करें बट ही इज नॉट श्योर, लेट्स सी इफ ही डज इट. बट यार एक चीज है जेशा कि ऐसा बोलते हैं, उन्होंने ऐसा बोला कि 5 बजे उठने से बिल्कुल भी नींद नहीं आई, मतलब यू फील फ्रेश फुल डे. मेरे को तो नींद आ रही है अभी. 5 बजे उठने के बाद 6 बजे सो नहीं जाना हूँ. नहीं, मैं 7 बजे सोई थी आधे घंटे के लिए. तो आदमी को एक्टिविटी में रहना पड़ता है, कुछ कुछ काम करना पड़ता है. आप तो ऐसे क्लास कर रहे हैं. कुछ भी नहीं, वैसे वाला नहीं हुआ था. सो बेसिकली आज फर्स्ट डे था तो दे हैड सेड व्हाटएवर योर कंफर्टेबल विथ, आप वैसे उस पोजिशन में रह सकते हो. तो मैं अपने ब्लैंकेट से बाहर ही नहीं आई, मैं वैसे ही आई वॉज डूइंग माई क्लास. एंड इनफैक्ट लेकिन आप कल से क्या बोला हुआ है? कल से बोला कि आप टेबल टेबल फोटो भेजो. उसकी फोटो भेजनी है. आप अपने गद्दे की भेज देना. गद्दे की नहीं भेजूंगी, कल से मैं टेबल पे बैठूंगी. तो आज उन्होंने बोला था कंफर्टेबल, तो क्यों, वाई टेक द चांस ऑफ नॉट बीइंग कंफर्टेबल. तो मैं बेसिकली चली गई थी, मतलब आई वाज ऑन माय बेड ओनली. और उन्होंने पूछा भी, आई वांट ऑल द पीपल टू टेल अस वेयर दे आर. मैं तो बोल दिया सर ऑन द बेड इनसाइड माय ब्लैंकेट. सच्ची मैंने मैसेज किया था. तो एनीवेज दे सेड कि कल से यू हैव टू बी यू इफ यू कैन हैव अ कोल्ड वाटर शावर हैव दैट, और नहीं तो आप कोल्ड वाटर स्प्लैश करना फेस पे. तो मैं मतलब 100% श्योर हूँ कि कल तो मैं वही करूँगी, स्प्लैश करूँगी. बात तो मुझसे नहीं होगा 4:40 AM में. बट हाँ, एंड देव टोल्ड अस टू सेट अप द टेबल वेयर वी गोइंग टू डू ऑल द व्हाटएवर दे टेल अस टू डू एंड सेंड देम द पिक्चर. तो मैंने वो अभी जो आपको पिक्चर दिखाया, बेसिकली आपने जो टेबल का देखा वो पूरा उसका ही सेटअप है, मेरा 5 AM वेकिंग अप वाला. सो आई जस्ट होप, आई कीप यू गाइज अपडेटेड, आई जस्ट होप मैं 21 डेज कर पाऊँ. आपको क्या लगता है मैं कर पाऊंगी कि नहीं? पहले ड्रेस मी अप एंड देन आप अपना पूरा व्लॉग कर लीजिए. अच्छा बस ये तो बताओ मम्मा कर पाएगी कि नहीं? होप सो. हाय बन मतलब इट्स 98.5%. और इसे कहते हैं चाय का चोचला, मतलब नॉर्मली दे देते उसमें. अब इसमें नीचे लाइट जली है, लाइट नहीं टी लाइट कैंडल बोलते हैं उसको. हां टी लाइट कैंडल है, इसके ऊपर ये रखा है. कितना क्यूट लगता है यार ये. चाय वालों को पता है ऐसे कोई अच्छे से सर्व करके तो कितनी खुशी मिलती है. कमाल है यार. और क्या, मैं बुलेट ट्रेन लेकर, मैं स्टीन गन लेके खड़ा हूँ. यार मेरे को मत लेना, मैं कितनी गंदी हालत में हूँ. मैं ये देखो जतिन कुंडली भाग्य वाला कच्चे में, तुम्हारी कुंडली में कच्चे लिखे हैं. व्हाट्सएप मैं नहाने जा रहा था जब तक पता चला कि नहाए नहीं सुबह से. नहीं सुबह से कुछ कुछ चल रहा था. ओह गॉड, वेलकम बैक. ओह शिट, कैसा रहा ट्रिप? अरे अमेजिंग, बहुत बढ़िया. आज कब देखा मैंने दोनों का ब्लॉग? इतना सादा व्हेन आई गॉट अप, इतना सादा फॉग हो रहा था कि शिटी लोग कैसे घर पे. मुंबई में भी था बहुत मस्त, बहुत मस्त. कुछ लोग तो हमारे हम गेस कर रहे थे मेरे ब्लॉग में, आज जो पहला ब्लॉग गया तो लोग गेस कर रहे थे आप लोग जम्मू जा रहे हो, चंडीगढ़ जा रहे हो, फॉग दिखा रहा है. नहीं यहाँ भी बहुत फॉग था, पता नहीं लोग कैसे ट्रैवल कर रहे होंगे. लेडीज पीछे बैठी हुई है, बातचीत चल रही है, मैं और कमल जा रहे हैं थोड़ा सा सामान लेके आते हैं. चले कमल भाई लेट्स गो, लेट्स गो. जाना ही पड़ेगा भाई. सो व्लॉग बनाते बनाते नीचे आए और कमल भाई चाबी भूल गए अपनी. सो मैं वेट कर रहा हूँ गाड़ी के पास, वो चाबी लेके ऊपर से नीचे आ रहा है. और हमारी सोसाइटी बहुत ही किलर है बिकॉज अभी थोड़े टाइम पहले यहाँ पे जैसे प्रीमियर लीग होती है वैसी लीग हुई यहाँ पे, वो मेंस की हुई. अभी वुमेन प्रैक्टिस कर रही हैं, लड़कियाँ प्रैक्टिस कर रही हैं बिकॉज उनका भी अभी IPL जैसा टूर्नामेंट होने वाला है यहाँ पे. सो सुपर फन है यार, बहुत ही एक्टिव सोसाइटी है. आई एम हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, गुड फन. चिढ़ जाती है मुझसे ये भी और जेशा भी और आकू भी. हाँ, अब तो आकू ज्यादा अच्छी पैकिंग करने लगी. हाँ, वो अच्छी पैकिंग करती है जेशा जैसी. मतलब मुझे लगता है यार ठीक ही तो है, लेके ही तो जाना और लेके ही तो आना. इसे कहते हैं डेडिकेशन. 500 किलोमीटर गाड़ी चला के आए उसके बाद दोनों जने काम पे लग गए. अरे यार, और यही तो जिंदगी है. वाह वाह वाह.
चलो हम लोग बैठते हैं खाना खाने, आप लोग मुझे बता देना, फिर हमारा तब तक ब्रेक हो जाएगा, हम लोग साथ में आके बैठते। चले स्क्वाड खा देता हूँ। हमारा खाना यहाँ रेडी है। चलो आपको क्या बनाया आज, गेस कर सकते हो आप? आपको पिटला भाकर कितना सही होता है पता है क्या? आपको कितना हेल्दी है वो? अंकल से मिल क्या है? मिल क्या है? वो क्या चीज है यार? वो आप नहीं टच कर सकते। आप पिटला भाकर ही खाओ। नहीं नहीं वो है मिर्ची का ही सालन या कुछ। ओह ये तो मैं खाऊंगा। हम तो नहीं खा सकते। मैं खाऊंगा पिटला भाकर। जतन शाह को अगर 7 दिन बोला जाए। ये है पिटला भाकर मराठी डिश। जतिन शाह को अगर 7 दिन बोला जाए, जैसा आप बता दो दीदी को क्या खाना है, तो वो 7 दिन हमें पिटला भाकरी और सुबह आलू की सब्जी और ब्रेकफास्ट में आलू का पराठा खिलाएंगे। मम्मा सी द होल मेन्यू इज डिसाइडेड फॉर मी। सुबह आलू का पराठा विद अचार, दही दही दही, हाँ विद दही। दोपहर को आलू की सब्जी विद थिन गुजराती रोटी, गुजराती रोटी, एंड डिनर में पिटला भाकरी। चलो भाई बैठे, भूख लग रही है। आपको भोपली बना सुख, इधर आके दिखाओ लाइट में। आपको का तीत आ गया बाहर, देखा ब्लड भी आ रहा है। कोई बात नहीं, ठीक हो जाए। इधर देखो आपको मिरर में, इधर दिखेगा। देख लिया, देख लिया। पेन हो रहा है? पेन थोड़ी हो रहा है। इट हर्ट्स। अब इसको कॉटन में डालो। साइड वाला, साइड वाला ना। अब्बा अब्बा आपको घुमाना नहीं, संभाल के रख लो। ये टूथ फेरी आएगी, ले जाएगी, बेड के नीचे रखना है। आई टूथ फेरी आएगी। तो हमारे टाइम पे ऐसा होता था कि जब भी दांत टूट जाता था तो उसको दांत को ऐसे कॉटन में डाल के और खपरेल में डाल देते थे। अभी के बच्चों में ऐसा होता था कि उसको तकिए के नीचे रखो, सुबह तूत फेरी आएगी और तूत फेरी ले जाएगी। तूत की भी फेरी है, हद है। I figured this out. Do you know what it is? हाँ, happy birthday कुछ तो। It's only happy birthday. Happy birthday. वो चेंज इसलिए नहीं किया क्योंकि बर्थडे नहीं था ना, इसीलिए हमने अलग अलग किया उसको। Okay. ये सब लगा रहे थे ना, हैप्पी बर्थडे जैसा कुछ था ही नहीं। गुड नाइट, कल सुबह मिलते हैं। सुबह मिलते हैं, टेक केयर, बाय।